धोखा देने के बराबर है। कहते हैं कि साहसपूर्ण कदम उठाने के लिए मनुष्य को राह नहीं सूझता है, संघर्षपूर्ण जीवन के पथ का कहीं कोई अंत नहीं है, लेकिन जो जीवन के रास्ते संघर्षपूर्ण न हो तो वह भी बेकार है। जीवन में दुख अनंत हैं, सुख का कुछ पता नहीं है कि कब किस रास्ते से आपके पास आ जाएं और किस रास्ते से आपके पास से चले जाएं। समय निकल जाने पर यदि थोड़ा सा सुख मिल जाए तो भी वह व्यर्थ है। जैसे कहते हैं कि जीवन में यदि बसंत का चले जाने के बाद यदि फूल ही खिलता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अच्छा है कि व्यक्ति सब प्राप्त को भूलकर भविष्य की सुध ले, अर्थात बीते हुए दिन को बिल्कुल हमें भूल जाना है और वर्तमान में उसका सामना करना है और भविष्य की संवारने की कोशिश करनी है। जीवन के यथार्थ को स्वीकार कर लेने में ही भलाई है। व्यक्ति को पूरी कर्मठता के साथ जीवन संघर्ष में लग जाना चाहिए। कवि का यह मूल संदेश है और इस कविता का भी मुख्य संदेश है। जैसे पदों की जो शब्दार्थ है इसकी थोड़ा सा हम व्याख्या आप लोग को कर फिर बताते हैं कि छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यहाँ कहते हैं बीते हुए दुख को मनुष्य को याद नहीं करना चाहिए। आप जैसे जैसे बीते हुए दुख को याद कीजिएगा सुख के दिनों में तो आपका दुख और भी बढ़ जाएगा। कहते हैं जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी छवियों के चित्रगंध फैली मन भावनी। यहाँ कहते हैं कि बहुत सारे जीवन में रंग बिरंगी स्मृतियों से भरा पड़ा है। व्यक्ति का मन सरस गंधमय चित्रों के भाव में हमेशा उलझा हुआ है। आप और हम जब इधर से उधर देखते हैं किसी का चित्र को तो उस चित्र को देखने के बाद यह महसूस होता है कि नहीं तो बहुत सुंदर चित्र है, हम इसे खरीद लेते हैं। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। कहते हैं यहाँ पर कि सैकड़ों छवियाँ मन के हर कोने में विद्यमान रहती है, वह अपने अपने ढंग से ही इधर से उधर भरमाती है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक सुवन बनता हर एक जीवन क्षण। कहते हैं कि प्रिया की केवल देह की गंध की यादों में ही बाकी रह जाती है। रात तो बीत जाती है, रात बीत जाने के बाद समय भी निकल जाता है, हर साथी भी साथ छोड़ देता है। इसलिए कहते हैं कि छाया मत छूना, मन का जो दुख है वह और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा अर्थात दूना हो जाएगा। यहाँ कभी कहते हैं कि आज हम जिन क्षणों में जीवित हैं जी रहे हैं हमें उसे ही जीना है। भूले बिसरे दिनों को याद नहीं करना है, उसे तुम्हारा दुख दो गुना हो जाएगा। यहाँ पर इस कविता में बीते दिनों की याद करने से क्यों मना करते हैं, तो जब मनुष्य बीते हुए दिनों को याद करते हैं तो उसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और भ्रम की जब स्थिति उत्पन्न होती है तो मनुष्य का दुख दो गुना हो जाता है। आगे इसमें कहते हैं कि यश है ना वैभव है। यहाँ कवि के अनुसार लगता है कि दुख का आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन हर मनुष्य के जीवन में दुख भी आता है सुख भी आता है। यहाँ पर कहते हैं कि यश है ना वैभव है। इस जीवन में ना प्रसिद्धि है ना धन दौलत है, मान है ना सरमाया, ना मान सम्मान आदि ही मिला। सरमाया माने पूंजी और ना ही कोई पूंजी है, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। इस प्रकार कहते हैं कि पूंजी को पाने के लिए तुम जितना प्रयास करोगे
उतने ही भ्रमित हो जाओगे, खो जाओगे, भूल जाओगे। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। यहाँ कहते हैं कि हर चांदनी रात के बाद एक काली रात जरूर छिपी होती है, अर्थात सुख भरे दिन के बीत जाने पर कुछ कठिनाइयाँ जरूर आती है। जो है यथार्थ कठिन उसका कर तू पूजन। कहते हैं जो वर्तमान में यथार्थ रूप से कठिन महसूस होती है, इसलिए जो वर्तमान है, जो यथार्थ है, उसे उसमें ही अपना तुम जीवन को बिताओ, व्यतीत करो, छाया मत छूना, दुख होगा दुख दूना। यहाँ पर कि सुख के पीछे भागने से दुख का भास बढ़ता जाता है, दुख का भास कभी कम नहीं होता है। मनुष्य चाहकर भी यह नहीं सोच सकता कि उसका दुख कम हो, इसलिए अतीत में बीते हुए सुख और दुख को याद नहीं करना है और वर्तमान में जो चल रहे हैं उसका सामना करना है और भविष्य का वर्णन भी करना है। आगे कहते हैं कि दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। यहाँ कवि कहती है कि व्यक्ति में साहस होते हुए भी दुविधा ग्रस्त है, करें कि न करें, जाएं कि न जाएं। देह सुखी है पर मन के दुख का अंत नहीं। यहाँ कहते हैं कि शरीर बिल्कुल सुख तो प्राप्त होता है शरीर को, किंतु मन का दुख का कभी अंत नहीं है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। यहाँ कहते हैं कि जब समय आया तभी मार्ग नहीं मिला, और विगत की चिंता में जब लोग लग जाते हैं, अर्थात खिलने वाले चांद और बसंत ऋतु आने पर न खिलने वाले फूल का उदाहरण देते हुए कि दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर। कहते हैं कि जीवन में यदि आपको कुछ नहीं भी मिला है तो उसे भूल जाना है और कर तो भविष्य वरन कि आज हमें नहीं मिला है, आने वाले समय में भविष्य में इसे हम कैसे प्राप्त करेंगे। तुझे जीवन में जो कुछ प्राप्त नहीं हुआ है उसे भूल जाना है और भविष्य विषय के बारे में सोचना है, छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। यहाँ कहते हैं कि कभी भी हमें अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचना नहीं है, अगर हम जितना उसके बारे में सोचेंगे उतना ही हमारा दुख दो गुना हो जाता है, अर्थात बढ़ जाता है। थैंक यू।